पर माजरत करता हूं अगर मैं ताखीर से पहुंचा और जो बात जेरे बहस है उसका सुनकर एक तो बहुत अफसोस होता है, निहायत अफसोस होता है कि हम यहां पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और हम एक ऐसी चीज पे डिस्कशन करते हैं और खास तौर पे एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने के कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की पार्टी का नाम अपनी पार्टी का रखा हुआ है, उसमें बजाय इसके कि जुर्म पे फोकस हो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक लीडर ने, लीडर तो नहीं है बहरहाल बजाय रिश्तेदारी जो नवाज शरीफ साहब के दामाद बनते हैं रिश्ते में, उन्होंने कायदे आजम के मजार की बेहुर्मती की, उन्होंने एक ऐसा रवैया वहां पे रखा जिसको कि इनके पीपल्स पार्टी के अपने चीफ मिनिस्टर भी मान रहे हैं कि उन्होंने गलत किया। उस गलती के कुछ कानून हैं वहां पे जिसके तहत उन पे केस बनता है, तो बजाय इसके कि बहस इस बात पे हो कि उसको क्या सजा मिलनी चाहिए जिसने कि बानिए पाकिस्तान के मजार में एक ऐसा रवैया अख्तियार किया, ऐसा हुनरबाजी की, उस बात को पीछे करके और ये अपनी सियासत उस पर खेल रहे हैं। ये क्या सियासत है कि आपने बानी पाकिस्तान जो कि तस्वर पाकिस्तान का हकीकी पाकिस्तान का खालिक है उसके मजार को आपने एक जलसगाह बनाया। बात उसमें नहीं हो रही, बात इसमें हो रही है कि जी किसने क्या किया, किसने क्या किया। आपको इधर बहसियत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, मैंने मुझे इस चीज का अफसोस है कि मैंने इनकी तकारीर नहीं सुनी वरना मैं उसका मुफसल जवाब देता, मैं उसका मुफसल जवाब देता और इंशाल्लाह कल भी दूंगा, तकारीर सुनकर मैं इनका जवाब दूंगा कि इन्होंने जो असल वाकया यानी कत्ल हो गया जो मकतूल है उसके बारे में बात नहीं हो रही और चीजों के बारे में बात हो रही है। आप इस वाकये पे अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, आप इस वाकये पे अपने उसमें कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं। आपकी पुलिस थी, आप ही वहां के, आप ही के लाडले आईजी वहां पे आपने बुलाया था, आप तो अपनी पुलिस, अपनी खानदानी पुलिस बना के रखना चाहते हैं। आपको तो बहसियत है पाकिस्तानी, आपको इस वाकये को कंडेम करना चाहिए था और फौरन इस पे एक्शन लेना चाहिए था। अब दो कमिटीज बन गई हैं, अब दूसरी दो कमिटीज बन गई हैं और इसमें यह सियासी दबाव डाला जा रहा है। आज इनके जितने भी लीडरान थे उन्होंने तकरीरें की प्रेशर डालने के लिए कि ये वाकया असल जो हुआ है वाकया उससे तवज्जो हट जाए और बात आ जाए कि जी कौन करेगा इंक्वायरी, किसने क्या किया, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने फोन नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है वहां पे फोन करने का, ये आपका सूबे, आप मुझे पता ही नहीं संभाल सकते, एक नाहल और करप्ट हुकूमत है आप, इसके जिम्मेदार हम तो नहीं है। आप हर वाकये को ऐसे बौखला गए हैं आप कि आपको तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आप किसी भी चीज पे कोई भी इश्यू हो, किसी भी इदारा हो, कोई भी वाकया हो, आप जो है तो आपको उसकी परवाह नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुल्क में क्या होंगे। आपने देखा कि आपके जो हमसाया मुल्क है वो आपकी जो प्रोवाइड किया हुआ है, जो आपने जो फराहम किया है आपने मटीरियल उस पर वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बातें हो रही हैं, आपको क्या एहसास है? आपने तो सियासत करनी है, आपने तो एक ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें कि टोटल अफरा तफरी हो जाए, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाए, इकोनॉमी जो कि बहुत बेहतर तरीके से चल पड़ी है उसको आप सबोटाज कर रहे हैं, आप मुल्क के मफादात को सबोटाज कर रहे हैं सिर्फ अपने डिस्क्रेडिटेड लीडरशिप को बचाने के लिए। चेयरमैन साहब, हमने हाउस में ये देखना है कि हमारे लिए पाकिस्तान अहम है या कुछ शख्सियात अहम है। इस रेजोल्यूशन या जो भी ये इंस्ट्रूमेंट मूव किया जा रहा है उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो वाकया है इस पे जरूर बहस होनी चाहिए। हम इस पे भी रेजोल्यूशन मूव करेंगे कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तानी बानी है पाकिस्तान के मजार के तकद्दस को वायलेट किया उसके खिलाफ डिबेट होनी चाहिए, क्या ये अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू जी राय साहब जी, एक तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें जी। राय साहब, मैं इस मैटर को कमेटी को भिजवा दूं जी। कमेटी को भिजवा जी, कमेटी को भेज दिया जी। थैंक यू जी। ऑर्डर।
ऑर्डर नंबर 3 सेनेटर रायला मक्सी चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फेडरल एजुकेशन। इसके बाद दो मिनट के बाद आपके पास आ रहा हूं, दो मिनट। सेनेटर रायला मक्सी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग नेशनल हिस्ट्री एंड लिटरेरी एट्रेट प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 3 ऑनर बी ऑफ सेनेटर साहब प्लीज। सर प्लीज रजा साहब तशरीफ रखें, रजा साहब आप तशरीफ रखें जी, बस लो गया जी जी जी। सर ऐसे नहीं होगा, कमेटी ऑफ इंटीरियर जी। सर बिल्कुल नहीं जी, प्लीज पेश करें जी। आए जी जी, प्लीज पेश करें जी। लॉ को भेजे सर। चलें जी, लॉ कमेटी को भेज दिया, बस तशरीफ रखें जी। अब बस सर अगर एक मिनट ये पेश हो जाए फिर उसके बाद आपको। सर कमेटी को मैंने मैटर रेफर किया है, बस तशरीफ रखें जी। सेनेटर साहब तशरीफ रखें प्लीज जी जी, प्लीज तशरीफ रखें जी। एक कमेटी को भेज दिया लॉ को जी, तशरीफ रखें। वैसे ही आता हूं इधर। नहीं नहीं आप एक मिनट की बात है जी जी। सेनेटर साहिबा प्लीज आप बताएं जी। आई सेनेटर रुखसाना जुबेरी ऑन बिहाफ ऑफ चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी जी। सर अभी चली गई है, तशरीफ रखें आप इस वक्त प्लीज, मेहरबानी करें। मोहसिन असीन साहब तशरीफ रखें जी। सर जी प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें सेनेटर साहब, तशरीफ रखें जी। सेनेटर साहब प्लीज पेश करें जी। आई ऑन बिहाफ ऑफ सेनेटर राहिला मक्सी चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग नेशनल हिस्ट्री एंड लिटरेसी हेरिटेज लिटरेरी हेरिटेज टू मूव अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 194 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द सेनेट 2012 that the time for presentation of report of the committee on the bill to provide for protection against harassment of students in educational institutions, the protection against harassment of students in educational institutions bill 2020 introduced by Senator Mohammad Javed Abbasi on 17th August may be extended for a period of 30 working days with effect from 16th October 20. It has been moved under sub-rule 1 of rule 194 of the rule of procedure and conduct of business in the Senate 2012 that the time for presentation of the report of the committee on the bill to provide for the protection against harassment of the students educational institution. The protection against harassment of students in educational institutions bill 2020 introduced by Senator Mohammad Javed Abbasi on 17 August 2020 may be extended for a period of 30 working days with effect from 16 October 2020. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think